ओम शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है, मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना तैलुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं, उसको मूलवतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूभू झाड़ के मुआफिक महतत्व में भी आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वह तो प्रिंस थाना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूलवतन में स्टोर मुआफिक हैं, फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतोरजो अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमोप्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमोप्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है, मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे।
अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान हैं, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए। बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं, इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्मशास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं, गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ, बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सत्ययुग को कहा जाता और अंत कलयुग को कहा जाता है, बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी हैं। यहां गपोड़े की बात नहीं, हार जीत का यह ड्रामा है। सत्युग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूं, यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगमयुगी ब्राह्मणों को जानते नहीं, यह राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं, मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी हैं, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु यह कोई जानते नहीं कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो,
परंतु ऐसे याद आता नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायण सिमरे। बात अभी की है, भंभोर को आग तो लगनी है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे। स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो, बाबा बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। यह बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल्प पहले सहज राजयोग सिखाया था, उभु इसी प्रकार सिखा रहा हूं। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट्स सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है। वास्तव में नर्क का द्वार तो दोनों हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रंग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। यह ड्रामा में पार्ट था, जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी न हो? अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्म बताता हूँ, तो कितनी गुह्य बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं यह ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहां यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूं और सदगति भी सबकी करता हूं, डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो। मैं कौन हूं? मैं ट्रूथ हूं। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं। भल इसने पढ़े तो बहुत हैं, परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, वह तो अश्रीरी है। सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, न कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है।
पहले फले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने मात पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है, दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। दो दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी न रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता।